राष्ट्र स्वाभिमान के उपासक माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सब विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया हम सभी को संबोधित करें, शुभकामनाएं दें। नमस्ते। श्रीमान नीलेश विक्रम से अध्यक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI के सभी पदाधिकारी, वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी, केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद के मेरे और सभी साथी बंधु, यहां और देश भर में करीब करीब 200 स्थान पर उपस्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के सभी महानुभाव, राज्यों में उपस्थित सभी आदरणीय मुख्यमंत्री, आप सबको दिल्ली में बारिश के बीच भी ये उमंग और उत्साह के साथ आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज के शुभ अवसर पर जिनका फेलिसिटेशन किया गया है, आज इस सभागृह और देश में अलग अलग स्थान पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग उपस्थित हैं, उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े हुए महानुभाव टीवी और रेडियो पर देखने और सुनने वाले सभी देशवासी, नौजवान दोस्तों, भाई और बहनों, आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI का स्थापना दिवस है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सुभग संयोग है कि आज से ही आपका स्थापना दिवस और भारत के अर्थ जगत में एक नई राह का आरंभ दिवस आज से ही भारत में GST यानी कि गुड एंड सिंपल टैक्स की शुरुआत भी हुई है। मेरे लिए ये खुशी का विषय है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर थैंक यू दोस्तों, इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य है। नौजवानों, चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के साथ अनेक वर्षों से जुड़े हुए सभी महानुभाव,
आपको देश की संसद ने एक पवित्र अधिकार दिया है। वही खातों में सही को सही और गलत को गलत कहने का, सर्टिफाई करने का, ऑडिट करने का ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। जैसे डॉक्टर समाज के और व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, वैसे ही आप पर समाज के आर्थिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है। और कोई डॉक्टर नहीं होगा ऐसा जो लोगों को ये कहे कि आप फलाना खाओ, ढींकना खाओ, ऐसा करो, वैसा करो, क्योंकि आप बीमार हो जाओ और मेरी आमदनी बढ़ जाए। डॉक्टर को पता है कि अगर वो बीमार होगा तो उसकी रोजी रोटी कमाई बढ़ेगी, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहता है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए ये करना होगा। मेरे साथियों, समाज की आर्थिक व्यवस्थाएं स्वस्थ रहे, उनमें गलत चीजों का प्रवेश ना हो, ये आप देखते हैं। आप देश के अर्थतंत्र के बड़े स्तंभ हैं और इसलिए आप सबके बीच आना मेरे लिए, स्वयं के लिए भी और एक शिक्षा और दीक्षा का भी बड़ा अवसर है। दुनिया भर में भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनकी समझ और बेहतरीन फाइनेंशियल स्किल्स के लिए जाना जाता है। आज मुझे अवसर मिला एक नए चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करिकुलम की शुरुआत हो करने का, उसका ओपनिंग करने का। आपके डायनेमिक कोर्स और एग्जाम की क्रेडिबिलिटी की अलग पहचान रही है। मुझे उम्मीद है कि नया कोर्स इस प्रोफेशन में आने वाले नए लोगों की फाइनेंशियल स्किल्स को और मजबूत करेगा और हमें अब हमारे इस इंस्टीट्यूशंस और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो ग्लोबल बेंचमार्क है, ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स है, उसके अनुरूप हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने की दिशा में हमें लगातार डायनेमिक व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमारे कोर्सेज में अकाउंटेंट फील्ड की टेक्नोलॉजिकल चीजों को किस प्रकार से हम लाएं, हमारे कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स टेक्नोलॉजी में क्या इनोवेशन करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के इनोवेशन, नए नए सॉफ्टवेयर, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है। फ्रेंड्स, हमारे शास्त्रों में चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। ये लाइट बंद कीजिए भाई, मुझे
कुछ दिखता नहीं सामने। हाँ थैंक यू। हमारे शास्त्रों में चार पुरुषार्थ की चर्चा की गई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आपने कभी सोचा है जिस प्रकार से धर्म और मोक्ष की चर्चा करें तो ऋषि मुनि हमको दिखते हैं, उसी की बराबरी में अर्थ जगत का कारोबार नेतृत्व आपके हाथ में है, आप उसकी बराबरी में हैं। और इसलिए अगर आपको मैं अर्थ जगत का ऋषि मुनि कहूंगा तो वो गलत नहीं होगा। जितना महत्व उन ऋषि मुनियों का रहा है जो मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, उतना ही महत्व मानव जीवन में अर्थव्यवस्था में आपके मार्गदर्शन का रहता है। अर्थ का सही आचरण क्या है, कौन सा मार्ग सही है, ये दिशा दिखाने का दायित्व चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के हर छोटे मोटे व्यक्ति का है। मेरे प्यारे साथियों, जो प्यार आप मुझ पे बरसा रहे हो, जो इस प्रकार से आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हो, और ये आपका प्यार ही है जो मुझे आज दिल खोल करके कुछ बातें करने के लिए प्रेरित करता है। मेरी और आपकी देशभक्ति में कोई कमी नहीं है। जितना मैं देश आगे बढ़े चाहता हूं, उतना ही आप भी देश आगे बढ़े ये चाहते हैं। लेकिन कुछ सच्चाइयां हैं जो कभी कभी सोचने के लिए मजबूर करती हैं। आप लोगों ने, जो पुराने अनुभवी लोग हैं, उनसे सुना होगा कि अगर किसी घर में आग लग जाए, उनकी संपत्ति पूरी जल जाए, तो कहते हैं कि वो परिवार स्वपुरुषार्थ से बहुत जल्द फिर से खड़ा हो जाता है। कष्ट होता है, तकलीफ होती है, लेकिन वो उठ बैठ करके अपना कारोबार शुरू कर देता है, समय रहते संकट से बाहर आ जाता है। लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, आग लगने के बाद अगर घर को खड़ा करना है तो परिवार कर देता है, लेकिन परिवार का ही एक सदस्य अगर चोरी करने की आदत रखता है तो वो परिवार कभी खड़ा नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, पूरा परिवार चोरी नहीं करता है, परिवार का एकाध सदस्य परिवार के नियमों को तोड़ करके बीच बीच में से निकाल देता है, परिवार समाप्त हो जाता है। वही को सही करने वाले मेरे साथियों, इसी तरह कोई भी देश
बड़े से बड़े संकटों से के खुद को उबार सकता है। बाढ़ हो, भूकंप हो, कोई भी संकट हो, देश जनता जनार्दन में सामर्थ्य होता है, शासन व्यवस्था जनता मिलकर के संकट से बाहर निकल आते हैं। लेकिन अगर उस देश में कुछ लोगों को चोरी करने की आदत लग जाए तो जैसे परिवार उठ खड़ा नहीं हो पाता है, वह देश वो समाज भी कभी उठ खड़ा नहीं हो पाता है। सारे सपने टूट जाते हैं, विकास रुक जाता है। कुछ ही लोग होते हैं जो ये प्रगति को रोकने का काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार ने पिछले 3 वर्षों में कई कड़े कदम उठाए हैं। नए कानून बनाए गए हैं, पुराने कानूनों को और सख्त किया गया है। कितने ही देशों के साथ समझौते किए हैं, पुराने जो समझौते थे उसमें बदलाव किया गया है। विदेश में काले धन के खिलाफ कार्रवाई का क्या असर हो रहा है, इसकी गवाही स्विस बैंक के ताजे आंकड़ों से मिल रही है। स्विस बैंक ने बताया है भारतीयों द्वारा जमा राशि अब तक के रिकॉर्ड में सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गई है। तीस साल पहले 1987 में स्विस बैंकों ने बताना शुरू किया था कि किस देश के लोग कितना पैसा वहां जमा करा रहे हैं। पिछले साल की जो रिपोर्ट अब आई है उसके मुताबिक भारतीयों का जो पैसा वहां जमा है उसमें, नया नहीं पुराना, उसमें 45% कमी आई है। दो से जिस दिन आपने मुझे काम दिया उस दिन से से ही गिरावट का जो दौर शुरू हुआ था वो और तेज हो गया है। और आपको जानकर के दुख भी होगा, आश्चर्य भी होगा, 2013 का स्विस बैंक का रिपोर्ट कहता है 42% इंक्रीज था, 42% वृद्धि थी। और भाइयों बहनों, अब से 2 वर्ष बाद जब स्विट्जरलैंड से रियल टाइम डाटा मिलने लगेगा तब विदेश में काला धन चना जमा करने वालों को और मुसीबत होने वाली है। आपके तो ऐसे कोई क्लाइंट नहीं होंगे, मुझे विश्वास है। लेकिन आपके प्रति मेरा इतना प्यार है कि कान में बता देता हूं, उनको कान में बता दीजिए। साथियों, देश में भी एक तरफ मैं स्वच्छता अभियान को भी चला रहा हूं और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में सफाई अभियान भी चला रहा हूं। इस देश में 8 नवंबर सबसे ज्यादा आपको याद है,
डिमोनिटाइजेशन का फैसला भी काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम था। और मैंने सुना है, सच है गलत है आप जाने, लेकिन मैंने सुना है कि 8 नवंबर के बाद आप लोगों को बहुत काम करना पड़ा। आप लोगों को इतना काम करना पड़ा शायद पूरी कैरियर में करने की नौबत नहीं आई। मैंने ये भी सुना कि बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के लोग दिवाली की छुट्टियां मनाने गए थे, होटल बुक थे, एडवांस पैसे दे दिए थे, लेकिन सब कुछ कैंसिल करके वापस आ गए। कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिसेज रात रात चलती थी। अब मुझे मालूम नहीं है कि वापसी के बाद आपने क्या काम किया, सही किया गलत किया, देश के लिए किया कि क्लाइंट के लिए किया। लेकिन किया जरूर था। साथियों, काले धन के खिलाफ इस सफाई अभियान के दौरान मैं पहली बार कुछ बातें आज आपके सामने शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप उस बात की ताकत बराबर समझते हैं। सरकार ने बैंकों में जो पैसे जमा हुए उसका डाटा माइनिंग के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी की है, लगातार डाटा माइनिंग चल रहा है, कहां से रुपया आए, कहां जमा हुए, कहां गए, कैसे गए, 8 नवंबर के बाद क्या क्या हुआ, बहुत कुछ चल रहा है। ये जो डाटा माइनिंग चला है, अभी अभी हमने किसी को पकड़ करके पूछताछ नहीं की है, सिर्फ आंकड़े का अध्ययन किया है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने पहले ही कहा आपकी देशभक्ति मेरी देशभक्ति से जरा भी कम नहीं है, लेकिन आप देखिए 3 लाख से ज्यादा, मैं आज पहली बार ये सारी बातें बता रहा हूं, देश ये सुनकर के चौंक जाएगा, 3 लाख से ज्यादा कंपनियां, रजिस्टर्ड कंपनियां ऐसी सामने दिखाई दी है जिनकी सारी लेती देती शक के घेरे में है, सवालों के घेरे में है, उन पर सवाल या निशान लगा है। और ये जितना माइनिंग हुआ है उसमें से अभी काफी माइनिंग बाकी है, ये 3 लाख से कहां बढ़ेगा मैं कह नहीं सकता। और जब उसकी जांच शुरू की, कुछ चीजें गंभीर जिनकी पाई गई हैं, एक आंकड़ा मैं बता रहा हूं, शायद हिंदुस्तान को इस सरकार की सोच क्या है, राजनीतिक नेताओं में दम क्या है,
उसका एक पहचान हो जाएगी। एक तरफ पूरी सरकार और मीडिया, व्यापारी जगत सबका ध्यान 30 तारीख रात को 12 बजे क्या होगा उस पर था, 1 जुलाई क्या होगा उस पर था, 48 घंटे पहले 1,00,000 कंपनियों को कलम के एक झाट से ताला लगा दिया है दोस्तों। रजिस्टर ऑफ कंपनी से इनका नाम हटा दिया है। ये मामूली निर्णय नहीं है दोस्तों, राजनीति के हिसाब किताब करने वाले ऐसे फैसले नहीं ले सकते हैं, राष्ट्रहित के जीने वाले ही ऐसे फैसले कर सकते हैं। एक लाख से ज्यादा कंपनियों को एक मिनट में कलम के एक झटके से खत्म करने की ताकत देशभक्ति की प्रेरणा से आती है। जिन्होंने गरीब का लूटा है उनको गरीबों को लौटाना ही पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने 37,000 से ज्यादा सेल कंपनियों की पहचान ऑलरेडी कर ली है। जो काले धन को छिपाना, हवाला करना, ट्रांसफर करना, पर्दे के पीछे न जाने क्या क्या करना, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कानून तोड़ने वाली कंपनियों के खिलाफ आने वाले दिनों में और कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैं जानता हूं काले धन के खिलाफ इस कार्रवाई का, फर्जी कंपनियों को खत्म करने का किसी भी राजनीतिक दल को कितना नुकसान हो सकता है इसका मुझे पूरा पता है। लेकिन किसी ने तो देश के लिए जीना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के देश भर के मेरे साथियों, मैं आज आपके बीच आया हूं, स्थापना दिवस पर आया हूं। मैं आपसे एक हल्का सा सवाल भी पूछने का मन करता है मेरा। वही को सही करने का जिसके हाथ में ताकत है, डीमोनेटाइजेशन के बाद कोई तो होगा ना जिसने इन कंपनियों की मदद की होगी। ये चोर लुटेरे ये कंपनियां किसी न किसी आर्थिक डॉक्टर के पास तो जरूर गई होगी। मुझे पूरा पता है आप में से किसी के पास नहीं आई होगी।
लेकिन कहीं तो गई होगी। जिनके पास गई, क्या उन्हें उनको पहचानने की जरूरत नहीं थी क्या? और जिन्होंने ऐसे लोगों की उंगली पकड़ी हो, जिन्होंने ऐसे लोगों को सहारा दिया हो, जिन्होंने ऐसे लोगों को रास्ता दिखाया हो, क्या आपके भीतर बैठे हुए ऐसे लोगों को आपने अब पहचान लेने की जरूरत है कि नहीं? उनको जरा किनारे करने की जरूरत लगती है कि नहीं लगती है? साथियों, मुझे बताया गया है कि हमारे देश में 2,72,000 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। आपके साथ आर्टिकुलेट असिस्टेंट्स भी, और उनकी संख्या भी करीब करीब 2,00,000 के बराबर है। अगर हम सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्टिकुलेट असिस्टेंट्स, आपके साथ दूसरे कर्मचारी, इन सभी को जोड़ दें तो मेरा मोटा मोटा अनुमान है कि ये संख्या 8,00,000 से भी ज्यादा है। आपका परिवार, इस फील्ड का परिवार 8,00,000 से ज्यादा है। यानी कि ये सिर्फ आपके प्रोफेशन में। अब मैं आपके सामने कुछ और तथ्य रखता हूं, क्योंकि आप आंकड़ों से बातें जल्दी समझ लेते हैं। और समझा भी देते हैं। अनुमान है कि हमारे देश में 2 करोड़ से ज्यादा इंजीनियर और मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स हैं, 8,00,000 से ज्यादा डॉक्टर है, यानी जिसे क्रीम प्रोफेशन माना जाता है, बहुत सम्मान से देखा जाता है, ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में करोड़ों में है। अगर देश के तमाम शहरों में बने बड़े बड़े आलीशान घरों को भी जोड़ा जाए तो उनकी संख्या भी करोड़ों में है। इतना ही नहीं, एक आंकड़ा ये भी है कि लास्ट ईयर भारत से विदेश में घूमने फिरने वाले जाने की संख्या 2,18,00,000 लोग विदेश में शेयर करने गए थे। ये आंकड़े अब आपको ताजुब होगा कि इसके बाद भी क्या कारण है कि हमारे देश में सिर्फ 32,32,00,000 लोग ही ये कहते हैं कि उनकी इनकम उनके टैक्स रिटर्न में 10,00,000 से ज्यादा बताई जाती है। आप में से कोई इसमें विश्वास करेगा क्या? करेगा क्या? वही को सही करने वाले आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, क्या इस देश में सिर्फ 32,00,000 लोग हैं जो 10,00,000 से ज्यादा कमाई करते हैं? मेरे प्यारे साथियों, देश की कड़वी सच्चाई यही है कि ये संख्या देश में सिर्फ 32,00,000 लोग अपनी आमदनी 10,00,000 रुपए से ज्यादा बताते हैं। मैं समझता हूं
ये अपने आप में ज्यादातर देश में सैलरी क्लास जो है जिनकी फिक्स आय है, सरकारी तनख्वाह निकलता है, प्राइवेट कंपनी से तनख्वाह निकलता है, इसके सिवाय देश में क्या स्थिति है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं और आंकड़ों में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि देश में करोड़ों गाड़ियां हर वर्ष खरीदी जाती हो और फिर भी देश के खजाने में अपनी जिम्मेवारियां न भरी जाए तो इससे बड़ा चिंता का विषय होगा। मैं और आंकड़ों के बजाय आगे अपनी बात बताते हुए आपसे कहना चाहता हूं, अगर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई कोई भी व्यक्ति या क्लाइंट तभी टैक्स देता है जब उसके आसपास का पूरा माहौल सकारात्मक हो, उसे ईमानदारी से टैक्स चुकाने के लिए प्रेरित करे। अगर वो ये देखेगा कि उसको सलाह देने वाला सच्चाई छिपाने के लिए कह रहा है तो फिर गलत रास्ते पर चलने से वो कभी डरता नहीं है। और इसलिए गलत सलाह देने वाले ऐसे लोगों को पहचानना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी बहुत आवश्यक है। और इसके लिए आप लोग भी कठोर कदम उठाने होंगे। सीए एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआर का काम आप ही करते हैं, करिकुलम आप ही बनाते हैं, एग्जाम आप ही कंडक्ट करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस भी आप ही बनाते हैं और गुनहगार को सजा भी आप ही की इंस्टीट्यूशन देती है। अब सवाल यह उठता है कि भारत के लोकतंत्र के मंदिर ने 125 करोड़ देशवासियों की संसद ने आपको इतने अधिकार दिए हैं, फिर ऐसा क्या है कि पिछले 11 वर्ष में सिर्फ 25 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है? क्या सिर्फ 25 लोगों ने ही गड़बड़ की होगी? और मैंने सुना है कि आपके यहां 1400 से ज्यादा मामले कई वर्षों से लटके पड़े हुए हैं, एक एक केस का फैसला आने में सालों लग जाते हैं। इतने हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए मेरे साथियों बताइए, ये चिंता का विषय है कि नहीं है? भाइयों और बहनों, जब देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था, आजादी का आंदोलन, देश के अनेक नौजवानों ने फांसी के तख्त को अपने गले लगा लिया था, देश के कई महापुरुषों ने अपने जवानी जेलों में खपा दी थी देश की आजादी के लिए, और उस समय देश के कई प्रोफेशनल्स के जो आगे बढ़कर के इस आजादी के आंदोलन में आगे आए थे, उसकी कमान संभाली थी, और उन सारे प्रोफेशनल्स देखे तो उसमें ज्यादातर जो वकील के वकालत करते थे, बैरिस्टर थे, वो बहुत बड़ी मात्रा में आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करते थे, वो कानून जानते थे।
कानून के खिलाफ कानून के रहते हिंदुस्तान के लिए लड़ना, उसकी क्या सजा होगी उसका पूरा पता था। उसके बावजूद भी उस जमाने की पूरी वकील आलम, जिनकी वकालत अच्छी खासी चलती थी, अपनी वकालत छोड़ करके ये देश के लिए आगे आए थे। और सिर्फ महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू ही नहीं, बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी, देशबंधु चित्तरंजन दास, सैफुद्दीन किचलू, भुलाभाई देसाई, लाला लजपत राय, तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, गोविंद वल्लभ पंत, कैलाशनाथ काटजू, अनगिनत नाम जो वकालत के प्रोफेशन में से देशभक्ति से प्रेरित होकर के देश की आजादी के लिए अपनी जवानी खपा रहे थे। इनमें से कई ऋग्वेद थे जिन्होंने देश के संविधान के निर्माण में भी बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई थी। और भाइयों बहनों, इस बात को हम नहीं भूल सकते कि इन महापुरुषों के बिना देश का इतिहास अधूरा है। साथियों, आज हमारा देश इतिहास के एक और अहम पड़ाव पर है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद, देश के राजनीतिक एकीकरण के बाद, अब आज देश आर्थिक एकत्रीकरण के दौर से एक नई यात्रा को प्रारंभ कर रहा है। 2017 का ये वर्ष, जब वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट का सपना साकार हुआ है, इस ऐतिहासिक अवसर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है। आप मेरी भावना को समझिए दोस्तों, आजादी के आंदोलन में वकील जगत के लोगों ने, वकालत करने वाले लोगों ने हिंदुस्तान के नागरिकों की स्वतंत्रता और के अधिकार के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आज उस जमाने की तरह आपको जान की बाजी लगा देने की जरूरत नहीं है। आपको जेल के शिखरों को पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। ये देश आपका है, ये देश का आने वाला भविष्य आपके संतानों का भी है। और इसलिए इस नए दौर का नेतृत्व जैसे आजादी के पहले उन वकीलों ने किया था, आज आर्थिक विकास की इस यात्रा का नेतृत्व मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फौज ने करना होगा। और आप देखिए, आपसे बढ़कर आर्थिक क्षेत्र की इस ऊंचाई को पाने का रास्ता और कोई मजबूत नहीं बना सकता है। काले धन को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपने क्लाइंट्स को, मैं फिर कहता हूं, अपने क्लाइंट्स को ईमानदारी के रास्ते पर ले चलने के लिए आपको आगे बढ़कर के कमान संभालनी होगी। साथियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश के इकोनॉमिक सिस्टम के भरोसेमंद एम्बेसडर होते हैं। आप सरकार और टैक्स देने वाले नागरिकों और कंपनियों के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। आपका सिग्नेचर सत्यता की, भरोसे की गवाही देता है। कंपनी बड़ी हो या छोटी, आप जिस अकाउंट पर,
अपने सिग्नेचर कर देते हैं उस पर सरकार भी भरोसा करती है और देश के लोग भी भरोसा करते हैं। और कभी आपने सोचा है कि जिसकी बैलेंस शीट के साथ आपकी सही जुड़ गई है, इस अकाउंट को, उस कंपनी के कारोबार को, उस बैलेंस शीट को देख करके बात वहां अटकती नहीं है दोस्तों। उस सिग्नेचर के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। मैं आज उस नई जिंदगी के आपको दर्शन कराने आया हूं। आपने कंपनी के उस वही पर सिग्नेचर कर दिया, बैलेंस शीट पर सिग्नेचर कर दिया, सरकारी अफसरों ने इसको मान लिया, कंपनी फूली फाली आगे बढ़ रही है, आप भी फूले फाले आगे बढ़ रहे हैं, बात यहां अटकती नहीं है दोस्तों। जब आप उस कंपनी के वही पर सही करते हैं और जब उस कंपनी का ब्यौरा लोगों के सामने आता है, तब कोई बुजुर्ग म्यूचुअल फंड में अपनी पेंशन का पैसा लगा देता है, कोई गरीब विधवा महिला अपने महीने भर की बचत को शेयर मार्केट में लगा देती है। जब किसी कंपनी की सही ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी जाती, तथ्यों को छिपाया जाता है और बाद में जब भेद खुलता है तो वास्तव में वो कंपनी नहीं डूबती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो गरीब विधवा की जिंदगी डूब जाती है, वो बुजुर्ग की, उस बुजुर्ग की जिंदगी तबाह हो जाती है। उसने तो अपनी जिंदगी भर की कमाई सिर्फ आपके एक साइन पर भरोसा करके निवेश की होती है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, आप सभी से मेरा आग्रह है, हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों का आपके उस सिग्नेचर पर भरोसा है, उस भरोसे को कभी टूटने मत दीजिए, उसको खरोच भी मत आने दीजिए। अगर आप अपने मन मंदिर में ये महसूस करते हैं कि ये भरोसा टूटा है, तो इसे फिर से बनाने के लिए आगे आइए, पहल कीजिए। 2017 जुलाई की पहली तारीख आपकी स्थापना दिवस आपको नया अवसर लेकर के आई है, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, ईमानदारी के उत्सव में शरीक होने के लिए मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। अपने काम के महात्मा को समझिए, फिर उसी हिसाब से रास्ते तय करके देखिए समाज आपको कितने गर्व से देखने लगेगा, आपको खुद को इसकी अनुभूति होगी। साथियों, टैक्स रिटर्न शब्द है, उसमें टैक्स रिटर्न शब्द के अलग अलग ओरिजिन है, लेकिन मुझे लगता है देश को जो टैक्स मिलता है वो देश के विकास के काम में आता है, यही टैक्स रिटर्न है। ये महंगाई को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। इससे किसी ऐसी महिला को जिसे गैस कनेक्शन मिलता है, जिसने पूरी जिंदगी लकड़ी पर ही खाना बनाया है, इन्हीं पैसों से किसी ऐसे बुजुर्ग को पेंशन मिलती है जिसके बच्चों ने उसका खर्च उठाने से इनकार कर दिया है, इन्हीं पैसों से नौजवान को स्कॉलरशिप मिलती है जो दिन भर इसलिए मजदूरी करता है ताकि इवनिंग क्लास में जा सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, इन्हीं पैसों से किसी बीमार गरीब को सस्ती दवा मिलती है जिसके पास
इलाज के लिए पैसे नहीं है, वो बीमार होने पर छुट्टी नहीं ले सकता, वो बीमारी में भी दिन भर काम करता रहता है ताकि शाम को उसके बच्चों को भूखा सोना न पड़े। टैक्स से मिला पैसा देश के बहादुर सैनिकों के काम आता है, जो सीमा पर अपने जान की परवाह न करते हुए हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। ये पैसे उन घरों में बिजली पहुंचाने के लिए काम आते हैं जहां स्वतंत्रता के 70 साल के बाद भी बिजली नहीं पहुंची, उसके घरों में आज तक कभी एक बल्ब भी नहीं जला है, वो अंधेरे में डूबे हुए हैं। देश के गरीबों को उनके अधिकार दिलाने में मदद करना, इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? आपकी एक सिग्नेचर देश के गरीबों की कितनी मदद कर सकती है, इसकी शायद आपने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। देश के सामान्य मानवी के सपना पूरा करने में आपका बहुत बड़ा दायित्व है, आप बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। जब आप लोग ठान लेंगे, और मुझे विश्वास है 1 जुलाई 2017 आईसीएआई के जीवन की यात्रा का एक टर्निंग पॉइंट बनकर के रहेगा, ये मेरी आत्मा की आवाज है। और मेरे साथियों, एक बार आप ठान लेंगे तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि टैक्स चोरी करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। इंसान अपराध तभी करता है जब उसे पता होता है कि उसे कोई बचाने वाला है। साथियों, जीएसटी आपके सामने राष्ट्र निर्माण में सहयोग का एक माध्यम बनकर के आया है। आप लोगों को, लोगों तक पहुंचिए, लोगों से बात कीजिए। और मुझे जब आ रहा था तब नीलेश मुझे बता रहे थे कि हम सभी जगह पे एक डेस्क शुरू कर रहे हैं ताकि व्यापारियों को सहायता हो, उनकी हम मदद करने वाले हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। अब लोगों के पास पहुंचे, उनको जागरूक करिए, ईमानदारी की मुख्य धारा में आने के लिए प्रेरित करिए। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी सरकार ने दी है, अभी से इसकी तैयारी कीजिए। खास करके मैं इस प्रोफेशनल के नौजवानों को निमंत्रित करता हूं, आइए। सरकार ने पिछले दिनों जो कानून पास किए हैं, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, इसको सफल बनाने में, सही तरीके से लागू करने में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। इस कोड के तहत जब भी कोई कंपनी दिवालिया होगी तो उसका प्रशासनिक नियंत्रण इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर के पास आने वाला है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर बनकर एक इस नए क्षेत्र में अपनी कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। यह एक नया रास्ता है जो सरकार ने आपके लिए खोला है, लेकिन आज के बाद आप जो भी रास्ता चुने उसमें सीए का मतलब होना चाहिए चार्टर और एक्यूरेसी, कंप्लायंस और ऑथेंटिसिटी। साथियों, 2022 में हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण करेगा। इस वर्ष के लिए देश ने कुछ संकल्प किए हैं।
नया भारत हम सबके परिश्रम की प्रतीक्षा कर रहा है। आप भी एक इंस्टीट्यूशन के नाते भी और एक चार्टर्ड अकाउंट व्यक्ति के नाते भी और देश के नागरिक के नाते भी 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल हो, हम इस देश को जैसा देखना चाहते हैं ऐसा बनाने में हम अपना योगदान दें, अपनी भूमिका निभाएं। और 2022 जब देश की आजादी के 75 साल पूरे होंगे, उसके ठीक 2 साल के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को भी 75 वर्ष हो जाएंगे। आप अभी से 75 वर्ष का कार्यक्रम अभी से बनाइए और इस इंस्टीट्यूशन को, उसके कैरेक्टर को किस ऊंचाई पर ले जाना है, उस ऐतिहासिक अवसर की प्रतीक्षा करते हुए अभी से अपना रोड मैप बनाइए और तय कीजिए आप देश को क्या देंगे। देश में आशा आकांक्षा लेकर के बैठे हुए कोटि कोटि नौजवानों के भविष्य के लिए क्या करेंगे? क्या आप देश को एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था देने में मदद नहीं कर सकते क्या? क्या आप ये कहेंगे, क्या हिसाब किताब ये लगाएंगे कि आपने इतने लोगों को टैक्स देने से बचाया? क्या ये हिसाब किताब होगा कि मैंने अब इतने लोगों को टैक्स दे करके ईमानदारी की जिंदगी जीने के लिए प्रेरित किया? फैसला आपको करना है। आपके लिए, आप अपने लिए कुछ लक्ष्य तय करिए कि कितने लोगों को ईमानदारी की टैक्स चुकाने की मुख्य धारा में लाएंगे। इस लक्ष्य का आंकड़ा क्या होगा ये आपसे बेहतर कौन बताएगा? इस बारे में सोचिए कि कैसे आप अपने प्रोफेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के फील्ड में फॉरेंसिक साइंस का कितना बड़ा रोल हो सकता है, उसको कैसे केयर किया जाए, उसको कैसे कैटर किया जाए, इनसे जुड़े भी लक्ष्य संभव हो तो उसको तय करना चाहिए। साथियों, एक और मेरे मन में अपेक्षा है आपसे, और ये अपेक्षा इसलिए है कि मुझे पूरा विश्वास है वो ताकत आप में है, आप में वो सामर्थ्य है। क्यों आप पीछे हैं मुझे समझ नहीं आता है भाई। साथियों, दुनिया में 4 ऐसी बड़ी ऑडिट संस्थाएं हैं जो बेहद प्रतिष्ठित हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां और संस्थाएं अपने ऑडिट का काम देती हैं। इन कंपनियों को Big 4 कहा जाता है। इन Big 4 में हम कहीं नहीं हैं। आप में क्षमता भी है, योग्यता की कोई कमी नहीं है। क्या मेरे सारे साथी विश्व के अंदर हिंदुस्तान को अपना नाम रोशन करना है तो क्या आप लक्ष्य तय कर सकते हैं कि 2022 जब आजादी के 75 साल देश मनाता होगा तब तक Big 4 को Big 8 में बदल देंगे, और जो Big 8 होंगे उसमें Big 4 यही मेरे सामने जो लोग हैं उन्हीं में से होंगे। दोस्तों, ये सपना हम लोगों का होना चाहिए। Big 8 में शामिल होने के लिए 4 ऐसी हमारी कंपनियां, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी प्रोफेशनलिज्म मुश्किल काम रही है। दोस्तों, विश्व के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट की दुनिया में भी आपका डंडा बजना चाहिए। साथियों, आखिर में मैं आपको आपके क्षेत्र के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित
अर्थशास्त्री चाणक्य की एक सलाह याद दिलाना चाहता हूं। चाणक्य ने कहा है, कालातिक्रमात काल एव फलम पिबती, यानी कर्तव्य का समय टल जाने के बाद समय ही उसकी सफलता को खत्म कर देता है। और इसलिए समय को, इस अवसर को हाथ से मत निकलने दीजिए। अभी कुछ देर पहले अरुण जी आपके सामने बात कर रहे थे, वो कह रहे थे हिंदुस्तान के जीवन में, विश्व के अंदर ऐसा मौका पहले कभी नहीं आया, आपके जीवन में भी ऐसा अवसर पहले कभी नहीं आया, मौका हाथ से मत जाने दीजिए। दोस्तों, मैं आपको राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए निमंत्रित करने आया हूं। आप मत भूलिए कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में समाज की पूरी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने का, टिकाए रखने का सर्वाधिक सामर्थ्य है। मैं एक बार फिर इंस्टीट्यूट को, उसकी फैकल्टी को और यहां उपस्थित सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आईसीएआई के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और देश भर में इस कार्यक्रम को वीडियो के माध्यम से देश के कोने कोने में और दुनिया के भी कुछ देशों में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो देख रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए 1 जुलाई 2017 नई दिशा, नई गति, नया उमंग, आओ हम चल पड़े और देश के सामान्य मानवी को एक इस ईमानदारी के उत्सव में जोड़े, इसी एक कामना के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।